टाटा हैरियर हो चाहे टाटा सफारी, आप दोनों के ही काफी फैन हो। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ टाटा हैरियर टाटा सफारी के फेसलिफ्ट के बारे में और इसमें आने वाले एडास के बारे में। अभी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि 2023 में ऑटो एक्सपो में पूरी उम्मीद है टाटा हैरियर और टाटा सफारी के डेब्यू होने का, मतलब दोनों के फेसलिफ्ट का डेब्यू होने का जनवरी में जो होने वाला है। वैसे तो ये फेसलिफ्ट होने वाला है तो ज़्यादा चेंज नहीं होगा इसमें, फिर भी मैं आपको बता दूं कि टाटा वाले इन दोनों गाड़ियों की अभी टेस्टिंग कर रहे हैं पूरी तरीके से। इसी टेस्टिंग के दौरान इस गाड़ियों को अभी देखा गया है, दोनों गाड़ियों को एक साथ इमेज सामने आई है, ये आपके सामने है, देख सकते हैं आप। गाड़ी बैक साइड से दिखाई दे रही है आपको। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 2023 टाटा हैरियर और सफारी को बेंगलोर में देखा गया है टेस्टिंग के दौरान साथ में दोनों को। बताओ यार, ये लोग भी अब दोनों घूम रहे हैं आराम से। फेसलिफ्ट में क्या चेंज होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। बाहर के एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में थोड़ा बहुत चेंज होगा। जो भी कमी आपको दोनों इन गाड़ियों में लगती थी उस कमी के ऊपर टाटा काम कर रही है मेन। साथ ही में इस सेगमेंट में आने वाला एक फीचर्स जो XUV में आता है, XUV 700 में एडास, इसके ऊपर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि सेगमेंट में आता है ये, तो ये भी सेगमेंट की गाड़ी है तो इसमें भी आना चाहिए। साथ में आपको मिलेगा ऑटोनोम्स, इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, रियर क्रॉस, ट्रैफिक अलर्ट जैसे फीचर्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे दोनों में। साथ में आपको मिल सकता है इंटीरियर में वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। जो भी आप एक महंगी गाड़ी में बैठते हो और जो फील करते हो टेस्ला वाली, इसमें आपको मिलने वाली एक बड़ी सी टच स्क्रीन मिल सकती है। आपको MG में मिल जाती है, MG में कुछ वैसे ज़्यादा ही बड़ी मिल जाती है एक्टर में। फीचर्स मैं आपको बता दूँ, कनेक्टिंग फीचर जैसे पैरानोमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, माउंटेड कंट्रोल के साथ आपको स्टेयरिंग मिलेगा पूरा, पावर टेलगेट मिलेगा, पावर ड्राइवर एंड फ्रंट पैसेंजर सीट। साथ में आपको सभी गाड़ियों में जो आजकल देखने को मिल रहा है 360 डिग्री कैमरा, जिसकी जरूरत भी हो चुकी है अगर आप इतना प्राइस ले रहे हो गाड़ी का, को भरपूर सभी एंगल से गाड़ी दिखनी चाहिए। भी मैं आपको बता दूं कि दोनों गाड़ियों में आपको डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज मिलेगा अब न्यू डिज़ाइन के साथ, जैसे कि फ्रंट ग्रिल में मिलेगा आपको, और क्या आपको अपडेट मिलने वाला है जैसे कि हेडलैम्प में, डे टाइम रनिंग लाइट में, अपडेटेड फ्रंट बम्पर, अपडेटेड रियर प्रोफाइल गाड़ी की, नए डिज़ाइन किए गए अलॉय व्हील्स, ये सब आपको इनमें चेंज मिल सकता है। बाकी गाड़ी आपको सेम पहले जैसी मिलेगी, जो मतलब गाड़ी का साइज होगा वो भी बिल्कुल गाड़ी का पहले जैसे ही होगा दोनों का। बस मैं आपको एक सीधा सा निष्कर्ष निकालता हूँ पूरी वीडियो का दोनों गाड़ियों का, ये एक तो दोनों गाड़ियों में थोड़ी बहुत कमी होगी उसको पूरा कर दिया जाएगा, और बाकी आपकी गाड़ी की इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों पर काम किया गया है। लुक्स तो पहले भी काफ़ी अच्छे थे और अभी भी कुछ ज़्यादा अच्छे लुक्स के साथ ही आएगी, और गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी तो आपको पता ही है 5 स्टार है, यहाँ पे तो कोई शक की बात है ही नहीं। बाकी सारी बात मैंने आपको बता दी है जल्दी से, बाकी गाड़ी की वेट कर लो आप। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।